साथियों, ये हम सभी लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अभी एकत्रित हुए हैं। ये वही धरती है जहां से अंग्रेजों को यहां से हिंदुस्तान से भगाने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। आज ये सभी लोग हम लोग जो खड़े यहां एकत्रित हुए हैं, ये सारे के सारे प्रतिष्ठित परिवार से लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह इस कोरोना काल में देश में ठगी करने वाले अपराधियों के द्वारा साइबर का इस्तेमाल करते हुए, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह एक पूरा ठगी का जाल फैलाया गया है, ये सारे जो साथी हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेरोजगार हैं, सारे प्रतिष्ठित परिवार से, और ये देश में एक पोस्ट डाल देने से कई डॉक्टरों को हमने देखा है गोरखपुर से लेकर कई एक जगह कितने महीने महीने का जेल हो जाता है। और ये देखिए, ये सारे लोगों को ये वीएमए में कंपनी है भूषण गोरिया, ये कंपनी जो है मुंबई का रजिस्टर्ड है, और इन सारे प्रतिष्ठित परिवार के लड़कों को उसने ठगा। पूरे हिंदुस्तान से लाखों लोगों के साथ ठगी की गई है। हम सभी लोग देश की सरकार से, हम सभी लोग जो देश की संस्था है जो ये सारी अपराधों पे मॉनिटरिंग करती है, ये सारे लोग आज ठगने के बाद मन ही मन सवाल पूछते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है कि कोई एक आदमी आता है और देश के लाखों लोगों को ठग के चला जाता है और सरकार की प्रशासन सोती रह जाती है। आज हमें अपने पैसों को वापस पाने के लिए आज हमें ये पत्र लिखना पड़ रहा है। ये सारे बेरोजगार, हम सभी बेरोजगार लोग आज गुहार लगा रहे हैं। हम देश की सरकार और आप जो भी लोग देख रहे हैं, जो समाज में अच्छाई चाहते हैं, जो युवाओं और देश के भविष्य के बारे में बात करते हैं, उन लोग से आग्रह, ये वीएमएम विशाल मौर्या जो है, जिसने लोगों को अपने फिल्म में पैसा लगाने के लिए अपने आप को फिल्म प्रोड्यूसर बता करके, आप हमारे साथ 700 रुपया लगाइए, आपको 30 रुपया का रोज हम देंगे, फिल्में कई 100 करोड़ कमाती है, उसने पैन कार्ड दिखाया भारत सरकार का, उसने भारत सरकार के मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अथॉरिटी का जो है वो उसने कागज दिखाया, रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाया, मुंबई के पता का दिखाया, लेकिन वो सारा का सारा फर्जी निकला। वो मोबाइल ऑफ करके इन बेरोजगारों के चेहरे पे मातम देकर के भागा हुआ है। आपको जरा हम रूबरू कराते हैं इन पढ़े लिखे लोगों से, और इस ठगी के शिकार हुए, दिल के टूटे हुए लोग आज अपने घर में खून की आंसू रो रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जी, हमें हमारा इज्जत, हमें हमारा पैसा वापस करा दीजिए। अगर आप भी इस ठगी के खिलाफ में खड़े हैं, आप अपने बारे में बताइए। अभी कुछ दिन पहले जो कंपनी का नाम इन्होंने जो दिया वीएमएम विशाल मूवी मैन्युफैक्चरर्स करके, उन्होंने अपना टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाया और ये कह करके ये हमारी प्रोडक्शन हाउस है, इसमें आप लोग 750 रुपये की ज्वाइनिंग करेंगे और फिर उसमें बढ़ते हुए क्रम में और पैसा लगाएंगे, उसका जो भी मुनाफा होगा हम लोग आपको डिवाइड करके देंगे। और उसने सारे कागजात जो दिखाए, उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, वो सब देखने के बावजूद हम लोगों ने लगाया। उसके बाद कुछ दिन तक ये और लोगों से पैसा वसूलते रहे और एक दिन अचानक ये कह करके कि ये सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, साइट्स को किसी ने हैक कर लिया था, इस तरीके की बातों को मैं उलझा कर लोगों को गुमराह लगातार किया गया। और उसके बाद से उन्होंने अपना मोबाइल बंद करके रखे हुआ है और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पे और अपने जो हमारे जानने वाले लोग हैं उनके तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से ये आग्रह रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जालसाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों का हमारा पैसा वापस दिया जाए और इस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा हो कि फिर ये आगे किसी तरह के कोई इस तरह का रैकेट नहीं चला पाए और ये लोग सलाखों के पीछे हों ताकि नौजवान जो गुमराह नहीं हों और उस तरह के उनके साथ ठगी नहीं किया जाए। आपका क्या कैसा है? लगभग 70,000 रुपया इसके नाम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पे उन्होंने ले लिया और उसमें कुछ नहीं उन्होंने दिया, बजाते
अब होगा अपडेट का, नया अपडेट लेकर के आ रहे हैं, हर चीज को अपडेट कर रहे हैं, सिस्टम को ये कर रहे हो, ऐसे कहकर के लगातार गुमराह करते रहे। और मेरे जैसे मैं जाने बहुत सारे लोगों का उन्होंने पैसा, हजारों लाखों लोगों का वो लेकर के कंपनी गायब हो गई है। इसलिए सरकार और प्रशासन से ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम लोगों का पैसा वापस दिलवाया जाए। बिल्कुल, जैसे आप किसी भाई आपका भी पैसा है, आप कितना पैसा है बताइए, कितना पैसा है? मेरा पैसा कितना है जी? मैंने 15,000 रुपए लगाए थे। मुझे ऐसा बताया गया था कि BMM एक कंपनी है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, कोरोना काल में सारे काम बंद है तो सभी लोग घर पे बैठे हुए हैं, वो इनकम कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो इसको लेके बताया गया था कि आप घर बैठे हुए मेहनत कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, और बहुत कम से कम IV लगाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमने लगाया था पैसा लगभग 15,000 रुपये करीब में लगाया, दो चार दिन पैसे आए और उसके बाद से जो है कि वेबसाइट खुल नहीं रहा और जितने भी नंबर थे वो सब बंद पड़े हुए हैं। मेरी सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि हम लोगों का पैसा वापस किया जाए, प्लीज निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। बिल्कुल, क्या आपका भी पैसा है? कितना पैसा है बताइए। बोलिए, शर्माइए नहीं, ये वक्त शर्माने और संकोच करने का नहीं। सारे लोग मायूस हैं, इनका 7,500 रुपया है, इन्होंने दिखाया है कागज, ऐसे यहां जितने लोग हैं सभी लोगों का पैसा है। और इसमें जो एक बातें निकल कर के आ रही हैं, उसने जो है, आइए खड़े हुए, उसने एक बातें जो निकल कर के आ रही हैं, इसमें उसने पैन कार्ड का बखूबी इस्तेमाल करके किया, क्योंकि आज भी पैन कार्ड का लोग इस देश में यकीन करते हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। साथ ही उसने अपने जो है वो, जैसा हमने कहा कि सरकार के जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अथॉरिटी जो है उसका कागज जो है लोगों को दिखाया है और जिसमें लोगों ने यकीन किया है। और बस एक और गुजारिश ये है कि सरकार जी, समाज में जब युवा एक अपराध के तरफ कदम बढ़ाता है तो उस अपराध के पीछे कहीं ना कहीं उसके पेट में भूख की जलती आग भी होती है। सरकार जी, एक युवा जब मायूस होकर के जब उसके सपने ऐसे फ्लोर से टूटते हैं तो वो फिर अपने घर के लोगों के तकलीफ को देख करके कहीं ना कहीं उसका मन विचलित होता है और वो कहीं ना कहीं बेचारा गलत के तरफ कदम आगे बढ़ाता है। गलत किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सरकार जी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जब आपको ये मालूम पड़े तो वृषभ मोहिया जैसे ये पूरा गिरोह है, इस गिरोह का पर्दाफाश करें और तमाम बेरोजगार दलित अकलियत आदिवासी महिलाएं बेरोजगार लड़कों के साथ जो ये जघन्य कांड हुआ है, करोड़ों अरबों रुपया का जो लूट वृषभ मोहिया BMM कंपनी ने किया, आप उसको दंडित करके देश के लाखों लाख लोगों का पैसा वापस करेंगे। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो हम लोग बना के आपके पास भेज रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद।